तो बच्चों, जैसा कि एक स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो आ रहा है, तो आज का जो टॉपिक है इसके इसके पहले जो वीडियो था इसके आगे हम बता रहे हैं। तो देखेंगे हम आज जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल का मतलब होता है वो संबंध सूचक अव्ययी फ्रेज, मतलब उपवाक्य। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एक प्रीपोजिशनल एक संबंध सूचक उपवाक्य फ्रेज, मतलब उपवाक कंसिस्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। कंसिस्ट मीन्स रखता है ऑफ ए प्रीपोजिशन, या शामिल करता है ऑफ ए प्रीपोजिशन एक संबंध सूचक अवयव को एंड इट्स, एंड मतलब और, इट्स मीन्स या ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, और इसके कर्म को विच इज नियरली, जो कि पास होता है ऑलवेज हमेशा ए नाउन ग्रुप, एक संज्ञा समूह के, मतलब उसमें संज्ञा भी जुड़ा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल है, ऑन योर लेफ्ट इज द रिवर। ऑन मीन्स पर होता है, योर मीन्स आपके, लेफ्ट मीन्स बाई ओर। आपके बाई ओर इज द रिवर, क्या है? नदी है। द बुक्स, किताबें आर हैं ऑन द टेबल, मेज पर। तो इस प्रकार से जो छोटे चीज होती हैं, छोटे वाक्य होते हैं वाक्य, इसको फ्रेजल बोलते हैं। फ्रेजल, फ्रेजल का मतलब होता है फ्रेज, इसको उपवाक्य बोलते हैं जो नाउन से अटैच रहते हैं। इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन करे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हाँ।